हेलो मोमीज, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। तो आप सबका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्री मैच्योर बेबी को हमें डायपर पहनाना चाहिए, क्या ये सही है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हर नई माँ के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हमें अपनी बेबी को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, अगर पहनाते हैं तो कितने कितने देर में चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा डायपर पहनाना चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन एक माँ के दिमाग में घूमते रहते हैं और अगर बेबी प्री मेच्योर हो तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले, हाँ, हम प्री मेच्योर बेबी को भी डायपर पहना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी का डायपर आप पहना सकते हैं। मैं अपनी बेबी को पैम्पर्स पहनाती थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायपर पहनाते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डायपर पहनाएं जो आपको सूटेबल लगे बेबी के लिए। आजकल बहुत सारे क्वालिटी के डायपर आ गए हैं, तो अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो उसे जीरो साइज का डायपर पहनाएंगे, धीरे धीरे फिर एस साइज, फिर एम साइज, फिर एल साइज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसा करके डायपर का साइज आपका वेट के हिसाब से, बेबी के वेट के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब है कि हाँ, हम पहना सकते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ इन्फेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बेबी का स्किन जो होता है वो अलग अलग होता है। अब कोई बोलेगी, कोई मदर्स बोलेंगी कि नहीं, मेरी बेबी को कोई भी रैसेस वगैरह नहीं हुए, कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ, मेरा बेबी को मैं डायपर यूज करती थी उसे कुछ नहीं हो जाता, मैं कोई रैसेस क्रीम या कुछ भी नहीं लगाती थी। तो फ्रेंड्स, बेबी के जो स्किन होते हैं हर बेबी के अलग अलग होते हैं, किन्हीं का सेंसिटिव होता है, किन्हीं का उतना सेंसिटिव नहीं होता है। तो बेस्ट है कि आप रैसेस क्रीम यूज करें, और अगर आप रैसेस क्रीम यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करती थी, मुझे सबसे बेस्ट लगता था। आप डायपर पार्ट में बेबी का डायपर पहनाने से पहले कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, प्योर कोकोनट होना चाहिए, प्योर कोकोनट ऑयल आप कोई सा भी लीजिए और बेबी के डायपर एरिया में लगा दीजिए और फिर उसे डायपर पहना दीजिए, तो इससे रेसेस नहीं होगा। मैं यही यूज करती थी। और अगर आप चाहें तो बहुत सारी रेसेस क्रीम है अवेलेबल मार्केट में, आप कोई भी अच्छे ब्रांड की रेसेस क्रीम लगा के यूज कर सकती थी, यूज कर सकती हैं। लेकिन आप मुझे पर्सनली बोलें तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करती थी और ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या दिन भर डायपर पहनाना बेबी को सही है कि हमेशा हम डायपर ही पहनाए रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन होती हैं जो हमेशा बाहर रहती हैं या कुछ ऐसे उन्हें प्रॉब्लम्स होता है, किसी को दिन भर अपना बेबी का केयर टेक नहीं कर पाती हैं, तो वो लोग दिन भर डायपर पहना के भी रखती हैं बेबी को। तो ऐसे में अगर आप दिन भर रात भर बेबी को डायपर पहना के रखती हैं तो आपको हर दो दो घंटे में बेबी का डायपर चेक करना चाहिए। अगर वो भीगा हुआ है तो उसे चेंज कर दें, और नहीं भीगा हुआ है तो फिर से उसे वही डायपर पहना दें, लेकिन हर दो दो घंटे में आपका बेबी का डायपर आपको चेक करना है। और एक दिन में कम से कम आपका डायपर 6 to 7 डायपर आपको लग जाएंगे, तो आपको डेली 6 to 7 डायपर आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप दिन भर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप डायपर यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको 7 to 8 डायपर डेली के लिए बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ रात में डायपर यूज करना सकते हैं, दिन भर आप ऐसे भी ले सकते हैं, तो वो बेस्ट है कि आप रात में ही डायपर यूज करें और दिन में बेबी को डायपर ना पहनाए, क्योंकि बच्चा दिन भर डायपर पहन पहन के भी उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो आप, हो सकता है कुछ देर के लिए दिन भर बेबी को ऐसे छोड़ दें और सिर्फ रात में डायपर यूज करें, ये भी अच्छा है। अगर रात में सिर्फ डायपर यूज करती हैं तो भी आपको 2 से 3 डायपर चेंज करने ही हैं। ऐसा नहीं कि आप रात में पहना दें शाम को 8-9 बजे और सुबह आप 8-9 बजे देखें, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 से 3 डायपर रात में भी आपको चेंज करना ही है, क्योंकि इससे बेबी को इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं अगर डायपर भर जाए और बहुत देर से बेबी की स्किन में हो। तो आपको 2 से 3 डायपर यूज करना चाहिए। अगर आप डायपर नहीं यूज कर पा रही हैं तो आप कॉटन के कपड़े जो हैं उनका लंगोट बना के आप बेबी को पहना सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं जब मीनू बहुत छोटी थी तो हमारे घर में तो हम लोग लंगोट बना के ही पहनाते थे, क्योंकि हम दिन भर डायपर में यूज नहीं करती थी, मैं सिर्फ नाइट के समय डायपर यूज करती थी, दिन भर हम लोग ऐसे ही रखते थे या कहीं आने जाने से मैं डायपर यूज करती थी।
क्योंकि मुझे ऐसा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था कि कुछ चीज हमेशा बेबी की स्किन में चिपका रहे, उसे भी कहीं से एयर ना मिले, तो कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आजकल बहुत सारे डायपर ऐसे भी हैं जो स्किन फ्रेंडली हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे बेबी के स्किन में जो है एयर पहुंच सके, ऐसा बहुत है। लेकिन हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था कि मैं दिन भर डायपर यूज करूं, इसलिए मैं रात को सिर्फ डायपर यूज करती थी। तो आपको मेरे इस वीडियो में अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे आई होप। तो आप हाँ प्रीमेच्योर बेबी को भी डायपर यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के देख के। और अगर आप दिन भर डायपर यूज करती हैं तो आपको 7 से 8 डायपर चेंज करने हैं। आपको रेसेस क्रीम या तो कोकोनट ऑयल का यूज करना है रेसेस रोकने के लिए। और अगर आप दिन भर डायपर यूज नहीं करती हैं, रात को सिर्फ करती हैं, तो भी आपको 2 से 3 डायपर आपको चेंज करना ही करना है। आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। धन्यवाद।